हाँ वेरी गुड। तो ये स्टार्स ट्विंकल करते हुए हमें क्यों दिखते हैं? देखें स्टार ट्विंकलिंग या देखे नहीं? कोई है ट्विंकल माने वो कभी उसकी लाइट ज्यादा आ रही होती है आंखों में, कभी कम आती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ऐसा लगता है कि स्टार्स बार बार ब्राइट और डिम, ब्राइट और डिम हो रहे हैं, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, उसका आंसर लिखना है और समझना है उसे, ठीक है? तो अगेन तुम अर्थ पे हो, है ना, तुम अर्थ पे हो यहाँ पे, और अर्थ पे तुम यहाँ पे, और स्टार्स बहुत दूर कहीं, ठीक है, और इतने दूर है कि वो तुम्हें पॉइंट जैसे लिखते हैं, पर वो एक्चुअली सन से भी बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, है ना? तो वो हमें दिखते कैसे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्यों दिखते, क्योंकि वो होते छोटे हैं या वो होते दूर हैं? दूर है, तो ये दे अपियर एज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, राइट? और ये लाइट बहुत दूर से होते हुए तुम्हारे पास आ रही है, पर उसके बीच में एक और चीज आ रही है, वो क्या है? एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर अर्थ क्रस्ट पहले आती है क्या? अर्थ क्रस्ट की तू जमीन के अंदर रहता है, पाताल में? अच्छा, एटमॉस्फेयर पहले आता है, ठीक है, और इसके लिए अर्थ क्रस्ट पहले आता है, पर पॉइंट इज दिस कि हमारे पास जैसे ही लाइट रे आती है और एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर क्या है, वैक्यूम है, स्पेस क्या है, वैक्यूम, ठीक है, यानी बाहर कोई भी हवा नहीं है, राइट? तो बाहर वैक्यूम है, तो बाहर कैसा मीडियम है? रेयरर। रेयरर माने हल्का मीडियम है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और अंदर डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर लाइट आ रही है, जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर आती है वो बेंड करती है, ये बात तो हम जानते हैं, बेंड तो करती है। और क्या सारे के सारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम होता है, या फिर अलग अलग लेयर्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है? अलग अलग लेयर्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में तो टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, अगर तुम ऊपर जाओगे आयनोस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जैसे तुम दूर जाओगे, है ना? तो टेम्परेचर कम होता है तो उससे हवा की डेंसिटी चेंज होती होगी या नहीं होती होगी? हवा की डेंसिटी चेंज होती होगी, और ये हवा की डेंसिटी बार बार चेंज होती रहती होगी, येस और नो? तो पॉइंट इज दिस, ये रिफ्रैक्ट होता रहता होगा, और कभी ज्यादा कभी कम रिफ्रैक्ट हो गया, कभी तुम्हारी आंखों पे आ रहा है और कभी आंखों पे नहीं आ रहा। मतलब पॉइंट इज दिस, लाइट यहाँ से आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, वो डेंस रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, अभी तो आ रही है, पर जरूरी थोड़ी है 1 सेकंड बाद वो वैसे ही रिफ्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी एटमॉस्फेयर की चेंज होती रहती है टेम्परेचर के हिसाब से। तो पहले लाइट यहाँ आ रही थी, अब यहाँ आ रही है, फिर 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 यहाँ आ रही है। तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा कि लाइट स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उसकी लाइट बहुत ज्यादा आ रही है आंखों पे, और फिर बहुत कम आ रही है। तो इसका रीजन समझ आया, रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज द चेंजिंग डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, चेंजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। और ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये पॉइंट? इसको वर्ड्स में लिखें। हाँ बोलो, क्या डाउट है? ट्विंकलिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे मैं तेरे को तेरी आंख में टॉर्च मारता हूँ, ठीक है, तो तुझे जब तेरी आईज पे ही आ रही है तो तुझे ज्यादा ब्राइट लगेगी, जब नीचे आ रही है तो, अब वो एक जगह देखना है ना तुझे, तुझे सिर्फ स्टार को देख रहा है, अब लाइट ज्यादा आ रही है, फिर कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो कभी कभी डायरेक्ट आएगी, कभी डायरेक्ट नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से जो स्टार्स है कभी ब्राइट दिखेंगे, कभी क्या दिखेंगे, डम डिम, ब्राइट डिम। क्लियर ये पॉइंट? टेम्परेचर से एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, तो रिफ्रैक्शन एक जगह पे एक समय पे एक जैसी नहीं होती, अगले समय पे कुछ अलग जैसे होती, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है? तो लिखिए इसका आंसर, समझ आ गया? तो लिखते हैं आंसर, वर्ड्स में, बुक की लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है? ऋषभ समझ आया? लिखिए जरा। सिंस स्टार, नहीं, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, स्टार्स बहुत दूर हैं, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट। एंड कैन बी टेकन एज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, कैन बी टेकन एज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट।
स्टार्स को हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. एज पाथ ऑफ लाइट रे, लिखे एज पाथ ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्टार्स, एज पाथ ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्टार्स stars goes on wearing goes on wearing slightly due to change in optical density of different layers of atmosphere comma the amount of light entering our eyes fluctuate, the amount of light entering our eyes entering our eyes fluctuates. दिखाई दे रहा है? नोट कर रहा? तो हम क्या कह रहे हैं, स्टार्स बहुत दूर हैं, तो उन्हें क्या कंसिडर करेंगे? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. अभी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है ये वेरी करती जाती है, अमाउंट ऑफ लाइट वेरी करती जाती है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी हवा की चेंज होती रहती है विद डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल्स. चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी अकर्स ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर लिख लेना या एटमॉस्फेयर. चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, ये वाली बात याद रखना. जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो चेंज करती रहती है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहता है. ये भी पॉइंट मेंशन कर दिया एंड में, तो इससे आंसर पूरा हो गया. तो ये क्लियर है या नहीं? डाउट है? ठीक है, सबको क्लियर है?